चेक भी नहीं करी लाइट, आज बिना चेक करे ऊपर ले लिया ट्रस पूरा। आज इतना लेट हो गया ना, सच बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं अकेला था, बोलू तो था नहीं। डीजे और एलईडी जब एक साथ लगती है तो कैसे दिखते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई रात को मैं घर पे पहुंचा था तकरीबन 3 बजे के आसपास, 3:30 बज गए थे मेरे को आने आने में, क्योंकि कल 2 दिन अपना खैरतल में ही काम था। तो पहले दिन तो मैं वहीं पे रुका था, सेकंड डे मैं आ गया था और आज भी वहीं पे है। तो अब चल रहे हैं सीधा बस स्टैंड, लेट हो गया। लड़कों ने वैसे काम कर दिया वहाँ पे, ऑलमोस्ट बात हो गई थी मेरी, उन्होंने ट्रस वगैरह कस लिया, कस क्या खड़ा भी कर दिया बल्कि, और लाइट्स वगैरह भी लगा ली हैं। बाकी एक बार चेक करनी पड़ेंगी मेरे को जाके, क्योंकि उन्हें इतना पता है नहीं लाइट्स वगैरह का, तो जितनी लगा ली होंगी ठीक है, बाकी तो फिर मेरे को ही देखना पड़ेगा। उल्टी सीधी अगर कोई सीआरपी वगैरह लाइट्स एलईडी वगैरह उल्टी सीधी लगा दी होंगी तो वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। बाकी अभी मैं निकल रहा हूँ अकेला, गोलू आया नहीं है क्योंकि शाम को अभी पार्टी से बात हुई थी उनकी, तो कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड करवा दिया है उन्होंने, तो उस चक्कर में गोलू आएगा लेट, और सामान आएगा वो लेके आएगा गोलू, टेम्पो में आएगा वो। और अपन चल रहे हैं बस से, वो देखो सामने जा रही है बस, लेकिन पता नहीं अब निकल गई जो तो निकल गई, एक तो पता नहीं ये शायद खैरतल की हो सकती थी ये, लेकिन कोई बात नहीं, पाँच दस मिनट में आती रहती है बसेस यहाँ पे, अपनी है खैरतल की, खैरतल निकल रहे हैं अपन, सीधा चलेंगे। अभी तो बस में चल रहे हैं पहले, उसके बाद बस पकड़ के सीधा चल रहे हैं खैरतल। और खैरतल में जगह मैंने आपको बताई दी थी, जिस होटल में है काम अपना रिजॉर्ट में, ग्रीन लैंड करके है रिजॉर्ट, अब सीधा वहीं पे चल रहे हैं, देखते हैं क्या कितना काम किया है कितना नहीं किया। बाकी आज 4 साइड ट्रस डीजे हैं, आज भी तीन दिनों से बैक टू बैक वही चल रहा है, लेकिन ये है स्टार्टिंग के 2 दिन थोड़ा बड़ा काम था, बड़ा सेटअप था, 30-40 का, कभी 30-20 का ऐसे करके था, लेकिन आज 20x20 का, यानी कि आज डीजे काम है। 2 दिन लेडीज संगीत था तो वो अच्छा मतलब परफॉर्मेंस था, उसमें बड़ा पूरा इवेंट का काम था, अच्छा डीजे जिसे कहते हैं संगीत था, कुल मिला के संगीत था, तो उसमें एंकर वगैरह का सीन था, नहीं आज एंकर वगैरह कुछ है नहीं, आज सिर्फ डीजे है, तो इतना लोड रहेगा नहीं अपने पास ज़्यादा। बाकी अभी बस पकड़ते हैं और चल रहे हैं सीधा खैर तक। फाटक पे मतलब जो व्हीकल से आए थे अपन, इको में आया था मैं बैठ के, पहले तो मैं पीछे बैठा था डिक्की में, लेकिन फिर आगे आ गया नहीं भाई, वो इको वाले भैया ने मेरे को उतार दिया फाटक पे, क्योंकि आगे जाने रहे थे अपने को, चलना है ग्रीनलैंड होटल, तो अपने को पकड़ना पड़ेगा यहाँ से ई रिक्शा, या फिर कोई ऑटो वगैरह मिल जाए तो देखते हैं, जो भी मिलता है उससे निकलना पड़ेगा। भाई नहीं मिला कुछ भी, 1.5 किलोमीटर से पैदल चले जा रहा हूँ मैं फाटक से, जहाँ पे अपन को इको वाले ने उतारा था ना, वहाँ से 1.6 किलोमीटर पड़ता है अपना रिसोर्ट मैरिज होम, और वहाँ से पैदल चले आ रहा हूँ, ऊपर से धूप पड़ रही है भयंकर, इसलिए जर्सी जो मेरी लेके आया था मैं इसी को ढक रखा सर के ऊपर, व्हीकल मिला नहीं मुझे कोई, मैं कहा 1.5 किलोमीटर कोई ना पैदल चल लेते हैं भाई, अब वैसे भी तो दिन भर काम ही करते हैं, पड़े मैं 2 लात और सही, जहाँ इतना थकेंगे वहाँ थोड़ा और थक जाएंगे। बाकी सामने आ गया मैरिज होम ये रहा, बाकी एक बार चल के देखते हैं अंदर क्या सीन है क्या नहीं, कितना काम किया है लड़कों ने, हो सके ट्रस वगैरह तो कंप्लीट कर ही दिया होगा, मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे लाइट्स वगैरह भी लगा रहे हैं वो, बाकी देखना पड़ेगा अभी कितना काम किया है कितना नहीं किया। हेलो भाई, लग तो रहा है थोड़ा बहुत काम कर रखा है लड़कों ने, उस साइड लगा हुआ देखो, ये वाली कैनोपी के पीछे दिखेगा, यहाँ से दिखेगा नहीं, ये देखो लाइट्स लग रही हैं कुछ तो लग गई। हाँ भाई कई सीन है, ये बात इतनी शिद्दत से अगर तू जब हम यहाँ पर रहते हैं तब काम कर लेना, तो भाई तू तेरी कसम तेरे को ठेकेदार बनवा दूंगा, बोल दे एक बार, बोल कुछ कहना चाहोगे, बाकी लड़के कहाँ हैं सारे, हैं सो रहे हैं, सो रहे हैं सब, ये कौन सा टाइम है सोने का, दिख गया हो गया जूम हो गया फुल, बोल आ जा। लो भाई ट्रस कस गया है पूरा अपना, लाइट्स वगैरह सारे लगा दी और ऊपर भी करवा दिया इसको, बाकी अब साउंड लगा रहे हैं, ये टेबल ले लिया अपने ऑपरेटिंग के लिए, साउंड वहाँ से पूरा ही पूरा आ गया, लेकिन बस खोल के इसे सेट वेट करना है, क्योंकि लेट हो गया यार थोड़ा, है ना, चेक भी नहीं करी लाइट, आज बिना चेक करे ऊपर ले लिया ट्रस पूरा, चेक तो कर लेंगे पर ये साउंड भी सेट कर लेता है। भाई साहब आज इतना लेट हो गया ना, सच बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं अकेला था, बोलूँ तो था नहीं, तो पूरा ही पूरा प्रेशर मेरे ऊपर था, ये देख लो पूरा सेटअप कंप्लीट कर दिया, दो बेस इधर और 2 टॉप 2 बेस उधर पीछे की साइड, 1 टॉप इधर 1 टॉप इधर, पूरा 4 साइड ट्रस है। और आज मैंने यहाँ पे अपनी ऑपरेटिंग ले रखी है, पूरी अपनी ऑपरेटिंग है, और ये भाई एलईडी वाले हैं, एलईडी वाला भाई है जो पीछे लग रखे डिस्प्ले, तो इन्होंने भी ऑपरेटिंग अपने साइड में ले रखी, क्योंकि दोनों का एक साथ बढ़िया काम हो जाएगा। अब बाकी भाई एक बार सीआरपी ऑन नहीं हुई है अपनी, अभी वो ऑन करनी है, वैसे मैंने चेक कर ली थी, चेक करने के बाद ही मैंने ट्रस ऊपर लिया था, लेकिन अभी वापस चेक नहीं की ऊपर लेने के बाद, तो अब एक बार ये चेक करने के बाद फिर अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बार सीआरपी लाइट्स और चेक कर लेते हैं, लो भाई सीआरपी लाइट्स भी देखो ये आ रही सारी की सारी, सारी ऑन हो गई बड़े मुश्किल से, मतलब मुश्किल तो क्या, लेट हो गया आज थोड़ा, बाकी तो सारा प्रोग्राम सेट था, बाकी ये सारी चीज़ ऑन हो गई, साउंड चेक कर लिया मैंने, पूरा लाइट्स चेक हो गई, सारा प्रोग्राम अपना सेट है सारा,
लाइट्स वगैरह सारी ओके है, कंप्लीट है सेटअप अपना। अब देखते हैं कितने बजे तक चलता है, क्योंकि आउटसाइड एरिया है ना, और 10 बजे तो है ही, और उससे आगे भी अगर थोड़ा बहुत चल रहा है तो इधर कब कह नहीं सकते, बाकी भाई जब तक चलेगा तब तक चलेगा। चलो भाई देखो, अब मैं तुम्हें अपना डीजे का और एलईडी का दोनों का सेटअप दिखा देता हूँ। डीजे और एलईडी जब एक साथ लगती है तो कैसे दिखती है देखो। इधर पूरा साइड में साउंड लगा हुआ है, इधर साइड में साउंड और सामने एलईडी स्क्रीन। बाकी फ्लोर आज फ्लोर एक्चुअल में क्या कम रह गए, बाकी और ये बड़े होने थे, अभी 9 फ्लोर यहाँ पे 16 होते हैं। ये गैलरी है मटके की, ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री होगी, तो ये मटकों के अंदर से वही जो निकलता है अपना स्मोक ड्राइस वाला। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी है, ये सारा कंप्लीट रेडी है, मटके वगैरह ऑन कर दिए देख लो। ये है ना पानी, इनमें थोड़ी देर में उबलने लग जाए, इसके अंदर रोड लगी हुई है, वाटर रोड जो हीट करती है पानी को, गर्म करती है। बाकी उधर से एंट्री हो रही है अभी ब्राइड की, तो जैसे पानी गर्म होगा जैसे इतने में यहाँ पे आ जाएगी दुल्हन, उसके बाद फिर वही कॉन्सेप्ट अपना ट्रायस वाला तैयार है। उधर ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो रही है, वहाँ से अपने गाने वगैरह सारे सेट है, जैसे मेरे को वहाँ से गाना और वहाँ पे पूरा की पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई वहाँ पे एंट्री होने जा रहे हैं, वो बीच में वो जा रहे हैं देखो। भाई वरमाला वगैरह हो गई सारी, और मैंने भी सारा कुछ बंद कर दिया, बस ये दो टॉप चल रहे हैं इधर वाले, बाकी पीछे का सारा साउंड बंद कर रखा है, क्योंकि ये चलेंगे तो इनका फेस इधर की साइड है, तो वो जा रहा है सीधा की सीधा म्यूजिक स्टेज के ऊपर, क्योंकि स्टेज पे अभी इनका फोटोशूट वगैरह चल रहा है और गैदरिंग भी काफ़ी है, तो फिर बैकग्राउंड म्यूजिक रखना पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना। बाकी मैंने मशीन्स बंद कर दिया, देखो इसका वॉल्यूम डाउन है, इसे बंद कर देता हूँ, और वो वाली बंद कर ही रखी है, बाकी ये वाली बंद है, बस दो मशीनें चल रही है जो जिसमें से एक बेस है और एक टॉप है। तो अब जैसे ही इनका यहाँ पे थोड़ी गैदरिंग खत्म होगी, फोटोशूट वगैरह खत्म होगा, उसके बाद अपन ये सारा के सारा सेटअप नीचे उतार लेंगे। वैसे तो मतलब ना चलने के बराबर ही है, बस बैकग्राउंड म्यूजिक दे रखा है, बाकी जैसे मेरे को लगेगा कि हाँ भाई गैदरिंग कम हो रही है तो फिर मैं ये भी खत्म कर दूंगा। हाँ भाई क्या कह रहा है, उधर हो गया भाई, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया उधर, ठीक है तो अभी कर देंगे थोड़ी बहुत देर में। तो भाई बंद कर दिया सारा कुछ जुगाड़ अपना, उधर से मटके वटके भी आ गए, सारा कुछ उधर खत्म हो गया, वरमल वगैरह सारा हो गई, गैदरिंग भी सारी खत्म। और ये देखो क्या तेरे हाथ में, हंस ले, हंस हंस, पहले हंस जल्दी, हंस 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 एक बार, सारा कुछ खत्म कर दिया और अब ट्रस नीचे ले रहे हैं, लाइट्स वगैरह सारी बंद, साउंड हटा के पूरा पैक कर दिया उस साइड, अब ट्रस नीचे ले रहे हैं। और कल भी यहीं पे काम है, यहाँ पे नहीं मतलब खैरतल के अंदर काम है, दूसरे मैरिज होम में, तो भाई घर नहीं जा सकते अब, आज तो मैं चला गया था घर, नहीं अब नहीं जा सकते क्योंकि अब लेट हो जाएंगे ज़्यादा ऑलरेडी। देखो कितना टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं, 1:29, तो 1:30 बजे तो हम खोलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो खोलते खोलते ज़्यादा भी नहीं, तो इसे नीचे लेने में आधा घंटा लग जाएगा, लाइट्स वगैरह हटाने में, उसके बाद फिर इसे पूरा ही पूरा वो करना है, डिसमेंटल करना है, तो खोलना खाल करने में वही 2:30 बज जाना है, उसके बाद सारा के सारा सामान लेके जाएंगे, तो 5 चक्कर लेंगे, यानी एक ही टेम्पो है हमारे पास फिलहाल, उसके 5 चक्कर लेंगे, तो वही 3-4 बज जाना है आज, तो फिर घर जाने के है नहीं, यहीं पे स्टे लेंगे कहीं पे, जो सेकंड जो अपना मैरिज होंगे जिसमें कल का काम है वहीं पे सोएंगे अब जाके। वो एक बार से नीचे ले लेते हैं, वो चढ़ा दिया उधर, एक हीरा इधर, हंस के दिखा जे बाद, एक भाई उधर वो बैठा, और एक गोरा पीछे की साइड गोरा वो हो रहा, और हम ही तरफ से देखेंगे बताएंगे कौन सा ऊपर नीचे है, क्योंकि जैसे नीचे लेते हैं ना तो कई बार ये हो जाता है कि एक बंदा ज़्यादा नीचे ले लेता है, दूसरा ऊपर रह जाता है ना, उसमें दिक्कत आती है, तो अपना काम है कि चारों तरफ से देखते रहना और उन्हें बताना कि किसका नीचे ऊपर है, सबका बराबर चलना चाहिए एक साथ। तो भाई सामान पूरा खोल लिया है, ट्रस वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर दिया, हटाओ ये कर दिया पूरा पूरा खोल खाल के डिसमेंटल कर दिया इसे, बाकी सामान रखा हुआ है, आधा रखा हुआ है साउंड यहाँ पे और आधा बाकी लड़के वो लेके जा रहे हैं। बाकी कल का भी अपना यहीं पे काम है, खैरतल में ही है, लेकिन इसमें नहीं है, इस वाले मैरिज होम में नहीं है, दूसरे मैरिज होम में है, और उसका नाम है सुंदरम, सुंदरम करके मैरिज होम है, वहाँ पे है काम अपना, बाकी सामान जा रहा है अपना, सारा कुछ ख़त्म हो गया। हाँ क्या कह रहा है बता, बोल अब बोल, क्या कह रहा है अब बोल,
YouTube में फॉलो का ऑप्शन नहीं आता, लाइक का आता बस। खराब हुई पड़ी है, तू ना करो लाइक करो फॉलो करो। क्या कह रहा बता, वो आ जाता कोई ना, लाली पाउडर बाद में लगा लियो, चल अब खत्म हो गया प्रोग्राम सारा। चलो तीन तीन दिन कौन आया, पूरा पूरा साउंड लोड करके निकल लिए। एक्चुअली में क्या फाटक लगा हुआ है, वो उधर खड़ी हुई है गाड़ी, अपने देखो ये रही वो रही, उधर गाड़ी खड़ी हुई है अपने, उसमें सारा के सारा एक टेम्पो में पूरा पूरा अपना साउंड आ गया। उसके बाद अब दो चक्कर और बचेंगे, जिनमें दोनों में एक में पूरा छोटा मोटा साउंड बच रहा होगा वो आ जाएगा, बाकी दूसरे में ट्रस्ट आ जाएगा। और एक जो पर्सनल चक्कर है वो लगेगा अपना एंट्री के सामान के लिए, जिसमें अपने मटके वगैरह थे, तो ड्राई आइस का कॉन्सेप्ट था वो, तो उसमें जेट वगैरह भी थे, CO2 के जेट होते हैं, सॉरी CO2 के सिलेंडर होते हैं जेट के लिए, तो वो सारी चीज़ें एक में आ जाएगी। यानी कि इस वाले के बाद तीन चक्कर और लगेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है देखो, फिक्स 4 बज रहे हैं, रात के 4 बज रहे हैं भाई, मजाक थोड़ी है, रात के 4 बज रहे हैं, हालत ख़राब हो रही, नींद भी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आदत सी हो गई अब तो, है ना। बाकी जैसे फाटक खुलते हैं निकलते हैं, इस वाले को अपन लेके जा रहे हैं सेकंड, यानी कि जो जहाँ पे कल अपना काम है सुंदरम मैरिज होम में, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। उसके बाद तीन चक्कर हो रहे हैं, वो सारा खत्म होने के बाद अपन को मेरे हिसाब से अब 4 बज रहे हैं ना, तो इसके बाद ये सारा काम करने में हमें 3 या 4 चक्कर लगा, क्योंकि जहाँ से हम लेके जा रहे हैं, जहाँ पे अपना काम था आज ग्रीनलैंड, वहाँ से सुंदरम का रास्ता तकरीबन 15 मिनट का है, तो ऐसे करके हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा लोड अनलोड करने में, 1-1.5 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद ये सारा ख़त्म कर कुरा के हमें 5:30 के आसपास बच जाएंगे, 5:30 बजे सोएंगे, मतलब बता रहा हूँ मैं कि 5:30 बजे सोऊंगा। बाकी इस वाले व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करो, पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट्स करके जरूर बताना कैसा बना है, और व्लॉग्स लग कैसे रहे हैं, कैसे बन रहे हैं ये कमेंट्स करके जरूर बताना, कोई कमी हो तो वो भी बताना। बाकी कल का भी 4x4 का जैसा आज का सेटअप था वैसा ही कल लगने वाला है, बाकी मिलते हैं कल, गुड नाइट।